गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारे पास ESP.NET में वो है ऐड रोटेटर कंट्रोल। देखिए, ऐड रोटेटर कंट्रोल क्या होता है, एक रैंडमली सिलेक्ट बैनर ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम सारी इमेजेस के एक बैनर बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं और उनको एज ए यूज़ करते हैं एज ए एडवर्टीजमेंट फाइल। तो ये अगर कोई एडवर्टीजमेंट अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं, ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ऐड रोटेटर कंट्रोल ऐड कराने के जो हमारे पास तरीका होता है, ESP:ADD_ROTATOR रन एट इक्वल टू सर्वर, और ये एक चीज प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, इसमें यूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट फाइल इक्वल टू उस XML फाइल जिसमें हम ऐड रोटेटर कंट्रोल को पूरी तरह से जिसमें हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब देखिए, उस XML कंट्रोल्स में जो हमारे पास टैग यूज़ होते हैं, वो टैग कौन कौन से यूज़ होते हैं। पहला, सबसे पहले टैग हमारे पास होता है एडवर्टीजमेंट, सॉरी, इसका जो हमारे पास ऐड रोटेटर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़, एडवर्टीजमेंट फाइल, उस फाइल का नाम देते हैं जो हमारी XML फाइल में डिज़ाइन होती है, डिफाइन की जाती है। दूसरा, हमारे पास अल्टरनेट टेक्स्ट फील्ड, यानी उस फील्ड्स को हम डिफाइन करते हैं जो अगर इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही तो उसकी जगह पर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए। दूसरा, हमारे पास इमेज URL फील्ड, अगर हम जैसे इमेज वगैरह जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी होती उस इमेज का अगर हमें पाथ सेट करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, इमेज URL का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास नेविगेट URL, तो नेविगेट URL फील्ड में अपन वो देते हैं कि अगर जैसे हम कोई इमेज पे क्लिक करें तो हम किस वेबसाइट्स पे नेविगेट कर रहे हैं URL, और टारगेट पे जैसे सेल्फ, ब्लैंक, अगर पेरेंट या टॉप, अगर हमें ऐड रोटेटर की जगह पे मूवमेंट कराना है, कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम टारगेट यूज़ करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट फाइल, अल्टरनेट टेक्स्ट, इमेज URL, नेविगेट URL और टारगेट। एडवर्टीजमेंट जो टैग है हमारा वो रूट टैग है, उसके अंदर जैसे हम HTML डिफाइन करते हैं तो HTML हमारा क्या रूट टैग है, वैसे ही हमारे पास जो HTML टैग है वो हमारा कैसा टैग है, रूट टैग है, और उस रूट टैग के अंदर हम इमेज URL, नेविगेट URL, अल्टरनेट टेक्स्ट और टारगेट, इतने कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और इन कीवर्ड को द्वारा डिफाइन करने के बाद हम कोई एक XML फाइल को क्रिएट करते हैं, और उस XML फाइल में जो भी बैनर या जो इमेज हमको डिस्प्ले करानी है उन सारी इमेजेस को हम उस XML फाइल के अंदर सेट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम जैसे उसमें जाते हैं ESP.NET में, तो ESP.NET में जाने के सबसे पहले हम क्या करना होगा, एक पेज ले लिया, अब यहाँ पर हमें एक फाइल ऐड करानी पड़ेगी। फाइल ऐड कराने के लिए हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू, ऐड न्यू आइटम में जाने के बाद हमने यहाँ पे ऐड कराएंगे क्या, एक XML फाइल को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया XML फाइल, क्या ले लिया, XML फाइल। इस XML फाइल का जो भी नाम आपको देना, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया XML फाइल का नाम ऐड फाइल, क्या नाम दे दिया इसका, ऐड फाइल, और इसको हमने यहाँ से ऐड किया, फाइल हमारी ऐड हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल आ गई, एक हम इमेज फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे ऐड, जिसमें हमें इमेज ऐड करानी है, तो राइट क्लिक किया, इमेज फोल्डर का नाम हमने दे दिया इमेज, फोल्डर का नाम क्या दे दिया, इमेज। अब जितनी भी इमेज होंगी वो सारी इमेज इसके अंदर हम सेव कर लें, तो अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी हो उन इमेज, जैसे हमने क्लिक किया, हमने डाउनलोड्स में कुछ इमेज डाल रखी है, जैसे हमने कर दिया इमेज 1, 2, 3, ये तीन इमेज हमने ली, कॉपी किया और इन इमेज को उठा के इस फोल्डर के अंदर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए तीनों इमेज हमारी यहाँ पे आ गए। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि अपन ने क्या किया, अपन ऐड फाइल में गए, तो सबसे पहले जो टैग लेंगे वो कौन सा टैग लेंगे, एडवर्टीजमेंट टैग, कौन सा टैग, एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ये ध्यान रखना स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट, ठीक, एडवर्टीजमेंट्स, और इसके अंदर हम एक टैग यूज करेंगे ऐड, ठीक, ऐड के अंदर एक टैग यूज करेंगे, पहला इमेज URL, क्या यूज करें, इमेज URL, इमेज URL, ठीक, इमेज URL, इसके अंदर हम इमेज URL लिया, इसके अंदर हम टाइल्ड सिंबल लगाएंगे, कौन सा सिंबल लगाएंगे, टाइल्ड, हमारी कहाँ सेव है, इमेज स्लैश डबल, सॉरी स्लैश, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हमने दे दिया इमेज, इमेज 1.j, सॉरी JPEG, क्या दे दिया, JPEG। क्लियर? उसके बाद दूसरा ले लिया हमने यहाँ पे, दूसरा ले लिया हमने नेविगेट URL, नेविगेट
नेविगेट यूआरएल, नेविगेट यूआरएल, तो नेविगेट यूआरएल में जैसे हमने दे दिया एचटीटीपी, एचटीटीपी कॉलन डब्ल्यू डब्ल्यू एम सी यू डॉट ए सी डॉट इन, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट, क्या ले लिया अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट में जैसे हमने डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे नाम कोई, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट, उसके बाद हमने यहाँ ले लिया कीवर्ड, या हमने दे दिया इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस हमने दिया यहाँ पे, कितने बार आएगा 100 बार टाइम्स, ठीक। कोई कीवर्ड आपको देना है तो कीवर्ड आप दे दीजिए, कीवर्ड, कीवर्ड में आपने दे दिया मान लो हेडर, काहे के लिए हेडर के लिए, ठीक। ये हमारा एक इसी तरह, अब इसी तरह जितनी भी आपको लेनी है यहाँ से इसको कॉपी करिए, सॉरी इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और जितनी इमेजेस के लिए लेना उन इमेजेस कॉपी, और जितनी इमेजेस के लिए लेना एक दो, जितनी इमेजेस के लिए लेना ले लीजिए, पास चेंज कर दीजिए यहाँ पर, जैसे हमने दे दिया इसका टू, यहाँ पर हमने दे दिया क्या थ्री, ठीक। इस टाइप से हमने यहाँ पे दे दिया, क्लियर। हेडर हमने कुछ भी दे दी, जैसे यहाँ पे अलग अलग चेंज कर दिया, हेडर दे दिया यहाँ पे नाम, जैसे हमने कर दिया साई सदगुरु, सॉरी ऐसे अवस्थी, यहाँ पर हमने कर दिया जैसे सदगुरु, क्या दे दिया हमने सदगुरु, ठीक। हेडर की जगह हमने दे दिया यहाँ पे बॉटम, क्या दे बॉटम, यहाँ पर हमने दे दिया दुष्यंत सिर्फ, या एस आई सी एस, क्या दे दिया एस आई सी एस, एस आई सी एस, क्या दे दिया एस आई सी एस, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया टॉप, अलग अलग नाम जो भी आपको देना, ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन पेज में आए, ये हमारे पास आ गई फाइल, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद डिज़ाइन पे गए, डिज़ाइन पे जाने के बाद टूल बॉक्स में गए, कहाँ गए टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स में देखिए आपको क्या मिल रहा है, एड रोटेटर कंट्रोल उठा के रख दीजिए, चूज़ डेटा सोर्स सिलेक्ट कीजिए आप, तो चूज़ डेटा सोर्स कौन सा एक्सएमएल फाइल, तो ब्राउज करिए एक्सएमएल फाइल, ओके एक्सएमएल फाइल को ऐड करा दिया, ओके ठीक, ये आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ से इसको क्या करा दिया, रन करा दीजिए, तो अपन डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं डिलीट कर देते हैं इसको, एडवोकेटर एडवर्टीजमेंट फाइल इक्वल टू, इक्वल टू एक्सएमएल, ठीक एडवर्टीजमेंट फाइल एक्सएमएल, रन करा देते हैं इसको। इनवैलिड बता रहा, क्या बता रहा, इनवैलिड फाइल बता रहा, तो अपन ने क्या किया थोड़ा सा चेंजेस कर लिया, इमेज का टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे इमेज अपन ने जीआईएफ फॉर्मेट में इमेज को पोस्ट पेस्ट कर लिया। उसके बाद अपन एडवर्टीजमेंट में गए, सारा कोड अपन ने यही लिखा, वही लिखा है आई एम जी डॉट जी एस पी डॉट डी पी, सब चेंज कर दिया और उनके पाथ चेंज कर, सारा सब कुछ वही टैग लिया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, एड रोटेटर आई डी एड रन एट सर्वर एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट फाइल का नाम,
तो अब देखिए, आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स यहाँ पे देखिए आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए पहली फ़ोटो आ रही, अब अगर आप रीलोड करेंगे या रिफ्रेश करेंगे देखिए फ़ोटो आपकी चेंज होती जाएंगी। देखिए ऑटोमेटिक पेज पे आप कोई भी नेविगेशन करेंगे देखिए आप यहाँ पे चेंज होती चली जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो जैसे आप जितनी बार भी करेंगे देखिए चेंज हो गई। तो इस टाइप से हमने कुछ इमेज डाली है तो ये हमारा क्या कहलाता है, एड रोटेटर कंट्रोल, एड रोटेटर कंट्रोल। ठीक है, तो एड रोटेटर कंट्रोल के साथ ये ध्यान रखना आपको दो चीज़ें ये हमेशा यूज़ होगी। एक आपकी यूज़ होगी क्या, एक आपका XML फाइल यूज़ होगी। XML फाइल में देखिए जो टैग हमने बताया, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, फिर एड, इमेज URL, नेविगेट URL, अल्टरनेट टेक्स्ट, इंप्रेशंस, कीवर्ड। अब देखिए अगर हम इनमें क्लिक करेंगे, देखिए नेविगेट URL की वो भी क्या बता दें, नेट कनेक्ट हमारे पास, अगर हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखना वही साइड हमारी ओपन होगी जैसे हमने क्लिक किया। ये देखिए, देखिए जैसे ही क्लिक किया तो हमको ऑटोमेटिक उस साइड के देखिए डिस्काउंट डॉट ए एस पी डॉट नेट पर हमारे पास पहुंचा दिया। तो इसलिए हम इसको किसको यूज़ करते हैं, और देखिए हमने इस पर वही दिया होगा ए एस पी डॉट नेट वाले पे, ये देखिए डिस्काउंट डॉट ए एस पी डॉट नेट दिया ना। तो इस टाइप से हम नेविगेट URL का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है एड रोटेटर कंट्रोल। अगर कोई एडवर्टीजमेंट अगर आपको डिस्प्ले कराना है, इमेज के बैनर डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए अपन कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं, एड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है इसके, ये देख लीजिए एक बार, ये हमारे पास टैग है और सबसे लास्ट में कौन सा टैग क्लोज हुआ हमारा, एडवर्टीजमेंट टैग। क्लियर? अब दूसरा हमारे पास जो कंट्रोल है वो हमारा कहलाता है कैलेंडर कंट्रोल। अब अपन देखते हैं दूसरा कंट्रोल, एग्जाम पर्पज से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए कैलेंडर कंट्रोल क्या होता है कि अगर हमें कोई डेट टाइम वगैरह डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, ए एस पी डॉट नेट में कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो मंथ टाइम डिस्प्ले करा सकते हैं, डे डिस्प्ले करा सकते हैं, वीक ऑफ मंथ डिस्प्ले करा सकते हैं, सिलेक्ट रेंज डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई भी अपन इस टाइप से कैलेंडर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास देखिए प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है कि कैप्शन प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट्स ऑफ कैलेंडर कंट्रोल, कैप्शन है, कैप्शन अलाइनमेंट है, सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, सेल एडिट स्टाइल है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपन अभी यूज़ करके आपको बता दें कैलेंडर कंट्रोल क्या है कि डेट और टाइम अगर हमको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, कैलेंडर कंट्रोल। तो अपन इसी में जाते हैं, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक पेज ऐड करा लेते हैं अपन यहाँ लिए, विंडोज़ फॉर्म डिफॉल्ट टू, क्या लिए, टू। तो अगर अपन को कैलेंडर कंट्रोल लेना है तो अपन कैलेंडर कंट्रोल कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे गए अपन टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे अपन व्यू में टूल बॉक्स, क्या लिया अपन ने यहाँ से, टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में अपन ने क्या किया, यहाँ से उठा कैलेंडर कंट्रोल रख दिया, क्या रख दिया, कैलेंडर कंट्रोल। फॉर्मेट करना है अपन को, यहाँ से गए ऑटो फॉर्मेट, सिंपल जो भी आपको लेना है, प्रोफेशनल, क्लासिकल, जो भी लेना है, अप्लाई और ओके, रन कर दीजिए। आपका देखिए यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल डिस्प्ले हो गया। अब इसकी जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको चेंज करनी है, जैसे हमने प्रॉपर्टी बताया कोई देना है आपको, तो राइट क्लिक किया आप प्रॉपर्टी में गए, तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद जैसे आपने यहाँ से कर दिया, सबसे पहले आपका टाइटल, टाइटल फॉर्मेट क्या है, मंथ, आप यहाँ से मंथ ऑफ ईयर भी कर सकते हैं। देखिए मंथ ऑफ ईयर, तो आपका देखिए मंथ और ईयर दोनों आएंगे, मंथ और ईयर दोनों आ रहे हैं। क्लियर? देखिए नेविगेट में मई, जून, जुलाई किस टाइप से डिस्प्ले कराना है। अब देखिए प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे अपन इस पर अपन गए यहाँ पे, अपन ने यहाँ डिस्प्ले कराया, जैसे बॉर्डर स्टाइल लेनी इसकी आपको कोई, तो आपने दे दिया शॉलिट, बॉर्डर बैक कलर, कलर ब्लैक, आप कोई और कलर लेना चाहते हैं, क्लियर, बॉर्डर का ब्लैक बैक कलर आपका वाइट आ रहा है, कोई और लेना वो भी ले सकते हैं, फॉन्ट अगर आपको कोई लेना, साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो वो भी आप यहाँ से इसका बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दे दिया साइज़ लार्ज, ठीक, बोल्ड, ट्रू, देखिए हो गया। फॉन्ट नेम कोई और लेना है आपको वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप प्रॉपर्टी देखिए, सेल पैडिंग आप बढ़ाना चाहते हैं तो दो की जगह पर आप कर दीजिए कितना, तीन, तो सेल की पैडिंग कितनी हो जाएगी, तीन, देखिए बढ़ गया साइज़। उसके बाद आप जैसे कैप्शंस वगैरह डिस्प्ले कराना चाहते हैं, शो है, अब यहाँ पे देखिए कैप्शन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, कौन सी प्रॉपर्टी, कैप्शन, हेडर स्टाइल्स, तो हेडर वगैरह भी आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया मान लो सिलेक्टेड डेट कौन सी आनी चाहिए, तो आप कोई और डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डे हेडर स्टाइल क्या आनी चाहिए, आपने दिया यहाँ से कलर रेड आना चाहिए, ठीक है।
बॉर्डर स्टाइल आप इसका सॉलिड चाहते हैं, क्लियर। फॉन्ट अगर बढ़ाना चाहते हैं फॉन्ट बढ़ा लीजिए, टाइटल स्टाइल क्या चाहते हैं, बीक स्टाइल क्या चाहते हैं, ये चेंज यहाँ से आप कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ से कैप्शन इसका क्या चाहते हैं, जैसे हमने कैप्शन दे दिया इसका, मान लो SICS, क्या दे दिया SICS, क्या दे दिया SICS, ये देखिए टाइटल किसका क्या आने लगा, SICS। देखिए जो भी हमने सेटिंग की वो सारी सेटिंग्स हमारे यहाँ पे क्या हो गई, अप्लाई हो गए, कैलेंडर हो गए अप्लाई। अब हम क्या चाहते हैं कि इस कैलेंडर पे एक दूसरा भी देख लेते हैं, इस कैलेंडर पे क्लिक करो, इसकी डेट हमारी किसमें डिस्प्ले होनी चाहिए, इसमें टेक्स्ट बॉक्स में अपन को डिस्प्ले कराना है, किसमें डिस्प्ले कराना है, टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए अपन देखिए क्या करते हैं, एक टूल बॉक्स रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, टूल बॉक्स लेते हैं, और टूल बॉक्स से अपन ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, कौन सा कंट्रोल, सॉरी टेबल ले लिए अपन, एंडू, अपन ने यहाँ से टेक्स्ट, अपन ने यहाँ से इसको जैसा भी आप देना चाहें, बड़ा छोटा जो भी करना। और इसके हम जो इवेंट्स पे जाते हैं, जो इसका इवेंट होता है कैलेंडर का, वो होता है सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट, कौन सा इवेंट होता है, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम, पहले नाम भी चेंज कर लेते हैं, पहले नाम नहीं चेंज किया, तो अपन टेक्स्ट बॉक्स पे गए, टेक्स्ट बॉक्स का अपन नाम चेंज कर लेते हैं, सॉरी चलो वही रहे, तो अपन गए टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कैलेंडर, कैलेंडर वन डॉट, कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट डॉट टू स्ट्रिंग, किसमें चाहिए अपन को, टू स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग, टू शॉर्ट चाहिए अपन को, टू शॉर्ट स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक, इस टाइप से अपन ने यहाँ पे दे दी, ठीक है। और रन कराया अपन ने, रन कराने के बाद देखिए अपन, जो भी डेट डिस्प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारी डिस्प्ले हो गई, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज और बड़ा कर देते हैं तो आपको और दिखाई देगा। तो अपन ने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसका हमने प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाके हमने इसका बोल्ड साइज लार्ज, क्या करें, साइज लार्ज, बॉर्डर इसका भी बढ़ा दिया अपन ने, ठीक, रेड बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, क्या दे दी, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, रन करा दिया यहाँ से अपन, ये देखिए आ रही डेट अपने पास, ठीक, ये हमारे पास आ रहा है, क्लियर, जो भी डेट अपन सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डिज़ाइन में, क्लियर। तो इस टाइप से हमारे कैलेंडर कंट्रोल हम डिज़ाइन कर सकते हैं, आज हमने देखा कैलेंडर कंट्रोल और एड रोटेटर कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन कैलेंडर कंट्रोल को कस्टमाइज करना देखेंगे, थैंक यू।